विद्यालय के प्रधानाचार्य आप सबको ठीक दिशा में मार्गदर्शन करने वाले ऐसे इस विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं व प्यारे बच्चों, आज जल शक्ति अभियान एक केंद्र सरकार का एक मुहिम चल रही है, उसके निमित्त आप सबसे मिलने के लिए, आप सबसे बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ। मैं हर जगह जाकर सामान्य सामान्य सी जो बातें हैं वो कर रहे हैं हम लोग। हमें कोई बड़ी बड़ी बातें मैं आपसे नहीं करने वाला, जो सरल सरल सी जो बातें हैं जल संरक्षण पर, उन सब विषयों पर आपसे मिलने के लिए हम आए हैं। जल संरक्षण क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा हम ध्यान देंगे तो हमें ध्यान आएगा कि जो पिछले 15-20 वर्षों में परिवर्तन जल के ऊपर हुआ है, पहले क्या होता था कि जब बारिश होती थी तो सारा जो जल है उसका ढलान क्या होता था, तालाबों के अंदर होता था, और तालाबों के माध्यम से जो पानी इकट्ठा होता था बारिश का, उस पानी को सब लोग अपने घरों के अंदर यूज़ करते थे, उसको अपनी रसोई के लिए, अपने पीने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में एक परिवर्तन हुआ कि या तो वो तालाब समाप्त हो गए, उनके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया, कब्जे कर लिए गए, या फिर उनके अंदर जो पानी है वो इतना प्रदूषित हो गया कि हमारे पीने लायक नहीं बचा। ये पिछले 15-20 वर्षों में परिवर्तन हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ, आज के समय में हम गांव में भी देखते हैं और शहरी क्षेत्र में भी, या तो हम आरओ का पानी पी सकते हैं या 15-20 रुपए में हम एक कैंपर पानी का खरीदते हैं और उस पानी को हम पीकर अपना जीवन अभी चला रहे हैं। ये अभी आज 15-20 रुपए का है, कल 30 रुपए का होगा, 50 रुपए का होगा, ये पानी महंगा होता जाएगा क्योंकि पानी की कमी, हमारे पास पानी तो बहुत होगा लेकिन पीने लायक पानी नहीं होगा। इस चीज का उदाहरण आपने 1-1.5 वर्ष पूर्व आपने सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक महीने तक एक न्यूज चली थी कि देश का एक शहर है महाराष्ट्र का लातूर, वहां पर पीने के पानी की इतनी समस्या हो गई कि वहां पानी पीने के लिए नहीं था, तो केंद्र सरकार को, भारत सरकार को वहां पर रेलवे के माध्यम से पीने का पानी भेजना पड़ा, और जो पानी भेजा उस पानी को लेने के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। ऐसी ही हालत पूरे देश भर के लिए एक उदाहरण स्वरूप बना चेन्नई इस देश का शहर। वहां पर ग्राउंड वाटर जो है, धरती का जो जल है वो समाप्त हो गया है, वो खत्म हो गया। वहां पर धरती के अंदर हम बोरिंग से या नलके से कोई पानी निकालना चाहे तो वहां पर पानी नहीं निकाल सकता क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर शून्य हो गया, जीरो हो गया है। वो क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, दिल्ली है, जो महानगर हैं, वहां पर क्या है कि उसी संदर्भ में हमारा बरवाला शहर भी है, वहां पर क्या है कि घरों में हमने सभी जगह पक्की कर दी और सड़कें भी पक्की हो गई, अधिकांश क्षेत्र जो है वो पक्का हो गया है, कच्ची कोई जगह बची नहीं। जब बारिश होती है तो धरती पानी सोखती नहीं है, पीती नहीं है, और जब धरती पानी सोखती नहीं है, पीती नहीं है, तो क्या कि धरती के अंदर पानी वर्षा का जाएगा नहीं। और हमने क्या किया कि हर 15-20 फुट के ऊपर हर घर के अंदर एक समर्सिबल मोटर पंप लगा लिया और हमने धरती से पानी का दोहन करना शुरू कर दिया। हमने पानी निकाला तो अपने यूज के लिए, लेकिन हमने धरती में पानी डालना बंद कर दिया। पिछले 20 वर्षों में सब जो क्षेत्र है वो पक्के हो गए हैं, इसलिए सब जो पानी जो है उस स्तर बहुत नीचे चला गया है। ये सब समस्याएं हैं। ये अब बहुत से शहरों के अंदर अभी बता रहे थे गुरु जी कि भाई 11 शहर ऐसे हैं जहाँ पर, जो महानगर है, जिनके अंदर जीरो क्षेत्र आ जाएगा। ये सब एक समस्या आज के समय चल रही है। आने वाले वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 40 वर्ष के बाद हमारे पास पीने का पानी नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर रहे, दोहन कर रहे हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे मध्य क्यों आए, हम तो एक विद्यार्थी हैं, हमें 10वीं में नंबर लेने हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, तालाबों पे कब्जे हो रहे हैं, तालाब बंद हो रहे हैं, तालाब खराब हो रहे हैं, तो सरकार करे इस काम को, सरकार उन तालाबों को खुदवाए, नगर पालिका या नगर निगम या पंचायत समिति हमको ठीक करे। आपके मन में प्रश्न होगा कि हमसे मिलने के लिए क्यों आए, हमारा हमसे बातचीत करने का हेतु क्या। आपसे बातचीत करने का हेतु कि आप इस जल शक्ति अभियान के अंदर अपना सहयोग देंगे, इस संदर्भ में आपसे मिलने के लिए आए हैं।
जल शक्ति अभियान में आप कैसे सहयोग दे सकते हैं, कुछ जो बड़े बड़े काम है वो आपको मैं बताने की आवश्यकता भी नहीं है कि आप ये करो वो करो वो करो, आपको मैं चार छोटे छोटे काम बताऊंगा, ये काम आप करेंगे तो जल शक्ति अभियान में आपका भी सहयोग होगा। पहला काम, जिसके घर में टूंटी लगी है, टूंटी के ऊपर लोक नहीं लगा हुआ, हम सब अपने घरों में अपने माता पिता से आग्रह करके अपने आस पड़ोस में भी कहीं व्यर्थ पानी बहता है उसको हम रोकेंगे और जहां पर टूंटी के ऊपर लोक नहीं लगा है उसके ऊपर लोक लगाएंगे। दूसरा काम, आजकल घरों में क्या है कि पश्चिमी सभ्यता के कारण एक शावर लग गया है, फवारा लग गया है, जब हम सुबह नहाते हैं तो एक जब उस शावर के नीचे नहाते हैं तो हम चार बाल्टी पानी वेस्ट करते हैं जब उसको नहाते हैं, तो उसी के बदले यदि हम बाल्टी से पानी भर के नहाएंगे तो हम एक बाल्टी पानी में शुद्ध पवित्र हो सकते हैं, हमारा स्नान हो जाएगा, हमारी तीन बाल्टी पानी हर रोज बच जाएंगी यदि हम उस शावर का प्रयोग करना बंद कर देंगे तो। हम तीन बाल्टी डेली बचाएंगे तो साल में आप काउंट करके देखना कितनी बाल्टी हम बचाएंगे। एक दूसरा पश्चिमी कल्चर के कारण एक वॉशिंग मशीन घर में आ गई है, हम सप्ताह भर में एक बार कपड़े धोते हैं, अपनी माताएं बहनें सब धोती हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि कपड़े धोने के लिए हम एक बाल्टी पानी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर जब उस कपड़े को निचोड़ना है, उसमें से सर्फ को निकालना है, तो उसके अंदर टूंटी के अंदर पाइप लगाते हैं और उसके अंदर मशीन के अंदर लगा देते हैं, तब हम 10 बाल्टी पानी वेस्ट करते हैं, वो घूमती रहती है और 10 बाल्टी वेस्ट होता है, उसके बदले हम एक बाल्टी में मशीन में धोएं और 2 बाल्टी में उसको निचोड़ दें तो 3 बाल्टी पानी लगेगा और 7 बाल्टी पानी हम वहां पर बचा पाएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, 7 बाल्टी पानी आप हर सप्ताह हम बचा सकते हैं। इसी के संदर्भ में चौथा काम जो सबसे बड़ा है वो आप सब कर सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा मूल्य का विषय भी नहीं है, और यदि मूल्य का विषय है तो हम उसको उपलब्ध नगर पालिका उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। आप सबको एक एक पौधा लगाना है ताकि जितने पौधे ज़्यादा लगेंगे उतनी वर्षा ज़्यादा आएगी, और उन वर्षा जितनी आएगी पौधों की जड़ों के माध्यम से पानी जो है वो ग्राउंड होगा, ग्राउंड होगा तो क्या है कि धरती का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा। ऐसा उदाहरण जयपुर देश का शहर है जहाँ पर पानी का स्तर ऊपर आ रहा है, उन्होंने वहाँ पर पौधे बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, इसलिए जयपुर के अंदर एक उदाहरण हमारे देश के अंदर है कि जहाँ पर पानी का स्तर नीचे कुछ शहरों में गिर रहा है तो कुछ शहर ऊपर भी लेके आ सकते हैं, इसका उदाहरण जयपुर इस देश के अंदर है। चौथा, चार काम ही हो गए, पांचवा काम है वो आप में से कुछ कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ के लोग सब लोग कर सकते हैं उस काम को, क्या कि किसी घर में हम इनोग्रेशन कर रहे हैं, घर को ठीक अच्छा बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ काम करवा रहे हैं, तो क्या कि हमारे घर में सब घरों में समरसेबल आजकल लगभग घरों के अंदर हम पानी उसी का यूज़ करते हैं, जब हमारे पास जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से पानी नहीं आता है तो क्या करते हैं कि हम पूरे साल भर उस समरसेबल पानी का यूज़ करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मिस्त्री के माध्यम से एक होल बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक ऐसा सिस्टम लगवा सकते हैं कि जब एक महीने बारिश हो वर्षा हो तो जो सारा पानी वर्षा का है उसका ढलान उस समरसेबल पंप में हो ताकि वो पानी ग्राउंड हो, हम पूरे वर्ष भर 11 महीने उस पानी का दोहन करते हैं, उस समरसेबल पानी से हम लेते हैं, क्या हम एक महीने पानी उस समरसेबल पंप को दे सकते हैं क्या? ये ऐसा सोचने का एक विषय है, आप में से कोई कर सकता हो अपने घर में ऐसे समरसेबल पंप के अंदर पानी का ढलान कर सकते हैं वो पानी, ताकि ग्राउंड का जो धरती जल स्तर है धरती का वो बना रहे। ऐसे पांच काम आप सब लोग करेंगे तो जल शक्ति अभियान अवश्य सफल होगा। आप सब ने पौधे लगाए होंगे, मुझे बीओ साहब मिले थे SDM ऑफिस, तो उन्होंने कहा कि हमने सब स्कूलों के अंदर हमारे भी हमारे डिपार्टमेंट में भी काम चल रहा है, तो मैंने कहा जी पौधे लगाए होंगे, तो सरकार में एक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक जल शक्ति नाम से केंद्र सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री बनाए हैं कि जल संरक्षण को देखने के लिए स्पेशल एक मंत्री काम करेगा, उस मंत्री का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक बड़ा पोर्टल उसका एक बनाया है कि जल शक्ति के ऊपर पौधे कोई लगा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिस्टम लगा रहा है, बोरिंग करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई भी इनोवेशन के कोई काम कर रहा है तो उस पोर्टल के ऊपर अपडेट करें। आज के समय में नगर पालिका बरवाला यानी बरवाला शहर पूरे देश भर में 35वें नंबर पर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगवाने में, बोरिंग करवाने में, पौधे लगवाने में पूरे देश भर में। हम चाहते हैं कि 20 से नीचे हमारे बरवाला शहर का रैंक उस संदर्भ में आए, तो आप सबके सहयोग से वो आएगा क्योंकि हम पोर्टल पे फोटो और उसकी प्रोग्रेस अपडेट करते हैं। और अगला एक विषय और है कि हम सब लोग जो आजकल सोशल मीडिया प्रयोग करते होंगे, सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम वो सब लोग चलाते होंगे, तो क्या कि इसमें केंद्र सरकार ने कुछ हैशटैग ट्रेंड करवाए होंगे, हम जैसे कोई चीज़ फ्रेंड को टैग करते हैं, कोई भी हम पोस्ट डालते हैं फोटो डालते हैं तो हम टैग करते हैं,
उसके अंदर हम टैग करके डालते हैं, तो उसी के अंदर एक हैश टैग का ऑप्शन रहता है, हैश टैग जल शक्ति फॉर जन शक्ति, हैश टैग जल शक्ति अभियान, हैश टैग जल शक्ति, हैश टैग जन शक्ति, जन शक्ति, ऐसे करके कुछ हैश टैग केंद्र सरकार ने उसके अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके अंदर दिए हैं कि किस लोकेशन पर कितने लोग उसके ऊपर पोस्टर डाल रहे हैं उस हैश टैग को यूज करते हुए। यदि आपने पौधा लगाया है, घर में आपने शावर का यूज करना बंद कर दिया, मशीन का यूज करना बंद कर दिया, ऐसी सब चीजें बातें आप उस हैश टैग के साथ केंद्र सरकार के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उसमें भी काउंटिंग होगा कि बरवाला एरिया के अंदर, बरवाला लोकेशन के ऊपर कितने लोग इस हैश टैग को यूज करते हुए अपनी पोस्टें डाल रहे हैं। और आप सबने यदि पौधे लगाए हो, ऐसा कोई किया हो इनोवेशन, तो आप हमें उसकी फोटो व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, ताकि हम उसको पोर्टल पर अपडेट कर सकें और हम बरवाला के अंदर जल शक्ति अभियान को सफल बना सकें। इतना सब विषय मुझे रखना था, आपको अभी 2 मिनट जल शक्ति की शपथ लेने में क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे